हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलो, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए जिनके पास भी ओला स्कूटर है या जो भी सर्विसिंग ऑलरेडी ओला की लेते हैं या लेने वाले हैं या ओला स्कूटर खरीदने वाले हैं। क्योंकि जो भी ओला स्कूटर खरीदेंगे उनको सर्विस एक्सपीरियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार सर्विस ओला की ली हुई है। आप सबको पता होगा मैंने 24 सितंबर 2022 में यानी कि 24 सितंबर 2022 में मैंने अपनी गाड़ी का कंप्लेन किया था। 26 सितंबर 2022 को मेरी गाड़ी चली गई थी पटना बनने के लिए, और पटना से बन करके लगभग 5 महीने बाद मेरे पास जो गाड़ी आई थी लगभग 26 जनवरी के आसपास में मेरे पास गाड़ी मुझे मिली थी 2023 में। और जब मुझे गाड़ी मिली तो गाड़ी तो मिल गई, लेकिन मिलने के बाद जब मैंने गाड़ी को ड्राइव किया तो गाड़ी मुश्किल से एक दिन भी नहीं चली, और उसका जो ब्रेकिंग का इशू है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ब्रेक अप्लाई ही गाड़ी का रह जा रहा है, गाड़ी का ब्रेक नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी मतलब बिना ब्रेक दबाए ही अगर मैं स्टार्ट मतलब रेड जो बटन उसका वो दबाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है, और गाड़ी को ये जब से गाड़ी मेरी आई है लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए आए हुए गाड़ी, क्योंकि मार्च चल रहा है, आई थी जनवरी में, अभी मार्च चल रहा है और गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। सर्विस मैंने काफ़ी बार कॉल भी कर रखा है, 3 बार मेरे घर पे आकर के जो ओला S1 प्रो लिखा होता है, S1 प्रो लिखा होता है पीछे, वो जा करके लोगो अब जाके लगा है 3 बार आने के बाद, और बाकी मैंने अब कंप्लेन किया हो तो उसका देखते हैं कब तक बनता है। लगभग इतना दिन बीत गया लेकिन कंप्लेन के बाद अभी पता नहीं कब गाड़ी बनेगी, इसका कोई अभी सही नहीं हुआ। तो ये भी हम वेट कर रहे हैं, कब देखते हैं गाड़ी लेकर जाते हैं, कब बना के मुझे देते हैं। तो सर्विस की बात करें, मेरे एक्सपीरियंस की बात करें सर्विस की, तो मेरे हिसाब से तो सर्विस बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इतनी सर्विस बेकार नहीं होनी चाहिए किसी गाड़ी की कि 2-2 महीने गाड़ी ऐसे पड़ी रहे और बिल्कुल आदमी गाड़ी को ड्राइव भी ना करे। आप समझ सकते हैं, सबसे पहले मतलब उस समय जब गाड़ी शुरू में आ रही थी उस समय मैंने गाड़ी ली थी, और इतने दिन होने मतलब लगभग 9 महीने के आसपास हो गए हैं गाड़ी को, और गाड़ी चली कितनी है कुल मिला के 5000 कुछ किलोमीटर, मतलब 5400 कुछ किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। तो आप खुद सोच के देखिए कितना अच्छा सर्विस है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बार बिगड़ी, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जितनी गाड़ी मेरे पास नहीं रही उतना देर तो सर्विस सेंटर रही। अब पटना में ही 5 महीने जब गाड़ी रही, 5 महीने अगर मेरे पास हो तो कम से कम मैं 500 किलोमीटर भी चलाया होता ना, अगर बहुत कम कम चला तो 500 किलोमीटर तो मैं चला ही लिया होता, लेकिन गाड़ी उतनी भी नहीं चली है, मतलब गाड़ी बिल्कुल ही कम चली है हमारी। आप खुद सोच सकते हैं किसी गाड़ी अगर 3 महीने 4 महीने रहे तो इतनी जितना मेरा गाड़ी का मतलब मैंने चलाया है 5000 किलोमीटर, उतना तो आराम से आदमी चला सकता है। तो गाड़ी हमारे पास बहुत कम रही है, जब से ओला मैंने लिया हुआ है तब से समझ लिया कि बहुत ज़्यादा इसमें खराबियां आ चुकी हैं। बाकी बहुत लोगों की ओला स्कूटर बिल्कुल अच्छे से चल रही हो, सही सलामत भी होगी, लेकिन हमारे वाला स्कूटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों खराब होती है, जबकि ओला S1 Pro है, प्राइस भी इसकी हाई है। S1 Air की बात करें या S1 की बात करें, इन सबसे महंगी होने के बावजूद भी पता नहीं इसमें कितनी खराबी आ रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ इसमें इशू है। गाड़ी चल रही है तो मोटर से आवाज़ आ रही है। 5 महीने पटना में गाड़ी रही लेकिन उसमें पैनल पे स्क्रैच है, वो चेंज नहीं किया गया है, पैनल वैसे का वैसे छोड़ा गया हुआ है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में अभी भी। मोटर चल रहा पता नहीं क्यों आवाज़, जब मैंने मेरे यहाँ आए थे होम विजिट करने के तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली मोटर में जो डिस्क ब्रेक है उसमें कुछ फंसा हुआ है, इसी वजह से आवाज़ आ रही है, गाड़ी को आप अच्छे से वॉश कराइए। तो इस वजह से मैंने गाड़ी को अच्छे से वॉश भी कराया लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा आवाज़ पर, आवाज़ वैसे की वैसे ही आ रही है, जबकि म्यूजिक भी चल रहा है तो अगर मैं ड्राइव करूँ तो उसमें से मुझे नॉइज जो है वो सुनने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं, कंप्लेन तो कर रखा है मैंने, 3 बार कॉल भी कर रखा है कस्टमर केयर को, लेकिन अभी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैंने केयर प्लस भी बाय कर रखा है, मतलब क्या फायदा है भाई, केयर केयर बाय करिए, केयर प्लस बाय करिए, मैंने बाय कर लिया है लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक कोई भी हमें उसका जो इशू है मतलब उसका जो रिजॉल्वेशन है वो मुझे कुछ भी मिला नहीं अभी तक। पता नहीं कब गाड़ी बनेगी, कब मैं सही से उसको चला पाऊंगा। ब्रेक दबा ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेक अगर दबा का मतलब ब्रेक अगर पकड़ के तो फिर जैसे होता है ब्रेक अगर इधर दबाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल चलनी बन जाती है, इसमें सिस्टम है तो ब्रेक लगा ही रह रहा है। अगर ब्रेक को बहुत ज़्यादा उधर दबा करके और मैं गाड़ी को जब चलाता हूँ तो हो सकता है गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, लेकिन और कोई सिस्टम इसका नहीं है। तो गाड़ी को ब्रेक को पकड़ के ब्रेक आदमी दबाए ना गाड़ी चलाए तो फिर क्या मतलब है इसका, अब कोई आगे आए ब्रेक को पकड़े ही रहे दबाए ना तो फिर तो अच्छी बात है नहीं ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं अभी गाड़ी को बिल्कुल रख दिया हूँ, क्योंकि चलाई चलाई पैसे कैसे जब ब्रेक लगा ही रह रहा है, गाड़ी ब्रेक छोड़ ही नहीं रही, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं तो हम उसको चला के करेंगे भी क्या। गाड़ी की बैटरी जब से चार्ज है उतनी की उतनी चार्ज पड़ी हुई है, अब पता नहीं कितना चार्ज है, मैंने उसको देखा भी नहीं है।
ये था मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा बेकार रहा। आपके लिए हो सकता है कि बहुत लोगों की गाड़ी नहीं खराब हुई हो, क्योंकि मैं बता रखा हूँ लगभग जितने 90% लोग ओला कस्टमर हैं उनको दिक्कतें आती हैं। 10% ऐसे कुछ गिने चुने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या हो सकता है कि उनकी खराब नहीं होती, बहुत अच्छे चलाते हो, तो ऐसा हो सकता है कुछ कुछ लोगों का ऐसा होगा जो अभी तक एक बार भी सर्विस नहीं हुई होगी। लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 98% लोग ऐसे हैं जिनकी ओला आने के बाद एक या दो बार तो खराब हो ही गई होगी। वो घर पे आकर के विजिट करके बना दिए होंगे, या हो सकता है कि उनको भेजना पड़ा होगा बड़े बड़े इशू में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ओला स्कूटर में आई होंगी। 2% जो है 98 के बाद 2% वो लोग गिने चुने लोग बचे होंगे, और जब से मैं लिया हूँ तब की बात, लगभग उनको 9 महीने हो गए हैं और उनकी गाड़ी खराब नहीं हुई हो, तो वो बहुत ही खुश नसीब हैं। उनका ओला स्कूटर बहुत ही बेस्ट है, और वो ड्राइविंग उनका स्किल भी बहुत बेस्ट होगा। हो सकता है कि हम लोग गलत चलाते होंगे जिससे खराब होता होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हैं, हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स ना आई हो, तो बेटर है आप गाड़ी को अच्छे से चलाइए। सर्विस के लिए केयर या केयर प्लस जो भी आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से केयर प्लस अच्छा था, इसलिए मैंने केयर प्लस बाय किया था। 3,500 कुछ रुपये मुझे पे करने पड़े थे, तो मैंने केयर प्लस बाय किया था। उसकी प्राइस जो ऐसे अगर चेक करेंगे नेट पे तो 2,999 है, बट वो 2,999 जो प्राइस है वो एक्चुअली वो विदाउट जीएसटी है। अगर जीएसटी आप ऐड करते हैं तो प्राइस 3,500 कुछ रुपीज पहुंच जाती है। तो ये मेरा प्राइस, मैंने उसको ही बाय करे, भाई चलो सर्विस तो लेनी ही है क्योंकि ये स्कूटर है जो इस पे लिखा गया कि खराब हुई होगा, इसका ऐसी कहानी है। तो खराब होता है इसमें, मैंने कहा चलो भाई सर ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो आएंगे तो गाड़ी को लेकर के टोइंग करेंगे तो उसका भी चार्ज लगेगा, फिर आकर घर पे बनाएंगे तो उसका भी चार्ज लगेगा, फिर कोई खराबी होगी तो उसके लिए अलग से। तो सब सिस्टम के लिए मैंने कहा कि चलो जब गाड़ी है तो खराब तो होगा ही होगा, इसलिए मैंने केयर प्लस बाय कर लिया। आप बताइए आपका स्कूटर तो आप में कोई खराबी आती है कि नहीं आती है, आपके स्कूटर कैसा चल रहा है, कितना किलोमीटर चल चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई सवाल सुझाव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो जो होती है ना वो बहुत लोगों को पब्लिक होती है, तो जहाँ भी आप होंगे वहाँ से लाइक करेंगे तो वह वहाँ के लोगों को वीडियो हमारी ऑलरेडी रिकमेंड होगी जो वो लोग देख सकते हैं। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओला स्कूटर बारे में किसी भी चीज़ को आपको जानना है ओला स्कूटर से रिलेटेड, तो आपका प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जितनी वीडियो अपलोड होंगी ओला स्कूटर की तरफ से वो सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है ओला स्कूटर की। जो कुछ भी खराबी, चाहे आप बात करें नॉर्मल मोड में रेंज टेस्ट करने की, स्पोर्ट मोड में, हाइपर मोड में, सभी मोड में मैंने रेंज टेस्ट कर रखा है कितना किलोमीटर चलेगी। 200+ ऑलरेडी मैंने ड्राइव किया हुआ है सिंगल चार्ज में, कैसे किया हुआ है वो भी जा करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो जरूर देखिएगा। सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, खरीदने वाले होंगे तो भी और खरीद चुके होंगे तो भी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, हाँ चलाया हूँ जितना मैंने चलाया, ज़्यादातर तो मेरा स्क्रोल चलाया वीडियो के लिए ही चलाया, और ऐसे अगर बात करें अपने अपने विजिट से यानी मोस्टली तो बहुत ही कम चला हुआ है, क्योंकि मुझे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वो बगल में ही है, तो बस यहाँ से निकलते हैं 40 कदम चलते हैं सेंटर पर चले जाते हैं। मेरा कोचिंग जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट में बैठा हूँ यहीं पर है, मैं बस ऑफिस में वीडियो ही बना रहा हूँ, और जो कोचिंग है इसके बाद जस्ट मेरा क्लास है, तो यहाँ बच्चों क्लास है, फिर कुछ होम क्लासेस हैं तो वो तो बात ही अलग है, वहाँ उनके लिए गाड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए गाड़ी बस वो भी कितने दूर के होंगे, 1 से 2 किलोमीटर के आसपास में रहते हैं, उससे ज़्यादा दूर को मैं कोचिंग नहीं देता हूँ, तो ये सिस्टम है। तो इस हिसाब से गाड़ी बहुत ही कम चली है, ज़्यादा गाड़ी नहीं चली है, लेकिन मेन क्या है, अगर गाड़ी है तो भाई होना चाहिए उसको सही, ताकि हम इमरजेंसी में किसी केस में हम उसको चला सकें जा सकें। पहले दिन जो मेरी गाड़ी आई तो मैं अपने सिस्टर के घर गया था, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास गए थे, और फिर वहाँ पे ले जाने के बाद मैं फिर वो वापस जाना होता है 120 किलोमीटर, हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए, तो मैंने वहाँ पे चार्ज किया था क्योंकि बैटरी कम चार्ज थी मेरी, इसी वजह से लगभग बैटरी 60% थी तब मैं गया था, तो बैटरी का परसेंटेज कम हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि चार्ज मिला, तो वहाँ चार्ज करके फिर वापस घर आए, और उसी दिन मैं गया, उसी दिन घर भी आ गया, उसके बाद से फिर गाड़ी बंद थी अभी तक, और अभी बंद भी है। अब देखते हैं कब उसका समय आता है कि गाड़ी हमारे यहाँ से जाती है और फिर वो बनती है, तो ये चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड फाइनली लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड